हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगने वाला है। अगर आप गर्भवती हैं तो विशेष रूप से ध्यान दें। आज मैं इस वीडियो में आपको सही टाइमिंग के बारे में बताऊंगी, सूर्य ग्रहण के बारे में बताऊंगी और ये कहाँ कहाँ दिखाई देगा, इंडिया में क्या ये दिखाई देगा या फिर नहीं, इसका सूतक मान इंडिया में होगा या फिर नहीं, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, अच्छे से समझना है कौन कौन से नियम पालन गर्भवती महिलाओं को करने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बस आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है और ध्यान से सुनना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, ठीक है। ये जानकारी होना हर एक गर्भवती महिला के लिए ज़रूरी है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस जरूर कर लें। ये करना बिल्कुल फ्री है और कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है, तो इतना आप अवश्य ही कर लें, यानी कि वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर दबा लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ बताते हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण क्या होता है इसके बारे में जानना हर एक गर्भवती महिला को जरूरी है। ये जो पड़ने वाला है 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद के आ जाने से पृथ्वी पर रोशनी नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण कुछ समय के लिए पृथ्वी का कुछ सतह दिन के उजाले में भी अंधेरा दिखाई देने लगता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तब ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि गर्भवती महिलाओं को क्या क्या करना है सूर्य ग्रहण से पहले और सूर्य ग्रहण के टाइम पर, और सूर्य ग्रहण जब समाप्त हो जाए तब क्या क्या करना है, किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, उसके बाद मैं आपको टाइमिंग बताऊंगी। सबसे पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें बता देती हूँ। जब सूर्य ग्रहण स्टार्ट हो जाए उससे पहले आपको एक नारियल मंगा के रख लेना है, ठीक है, और वो नारियल आपको अपने पास रखना है उसी टाइम जब सूर्य ग्रहण स्टार्ट हो जाए। और एक दिन पहले ही आप एक नारियल मंगा लीजिए और गेरू मंगा लीजिए। गेरू रेड कलर का पाउडर जैसा होता है, वो गेरू आप लिक्विड बनाइए, पानी डाल के पेस्ट बना लीजिए, वही चीज़ आपको अपने पेट पर लेप बना, मतलब लगा लेना है, लेप करके लगा लेना है पूरे पेट पर। आप चाहें तो सर्कल वगैरह भी बना सकती हैं। तो इससे क्या होता है, जो सूर्य ग्रहण का बुरा प्रभाव होता है बच्चे तक नहीं पहुँचता, तो इतना आप पहले ही कर लीजिए, ठीक है। और एक काम आपको पहले और करना है, आपको तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़ के रखने हैं। तुलसी के पत्ते आपको पहले ही तोड़ के रखने हैं ग्रहण काल शुरू होने से पहले, आप एक दिन पहले भी तोड़ के रख सकती हैं, ठीक है। देखिए, तुलसी के पत्ते खाने पीने वाला जो भी आइटम है उसमें डाल दीजिए, पानी अगर आप पीना चाहती हैं ग्रहण काल के दौरान तो वो पानी आप पी सकती हैं, बस तुलसी के पत्ते डले हुए होने चाहिए, क्योंकि भाई आपको खाना पीना भी खाते रहना है। खाना नहीं खाना है, फ्रूट वगैरह खा सकती हैं, जिसे काटना ना पड़े वो फ्रूट आप खा सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सेब है तो आप सेब खा सकती हैं, ठीक है। पानी आप पीते रहिए, बस तुलसी के पत्ते डले होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और खाना पीना आपको पहले ही बना लेना है, आप खाना खाना चाहते हैं तो पहले ही खा लीजिए, ग्रहण शुरू होने से पहले ही आप काम कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको और भी कुछ ज़रूरी बातें बताती हूँ। जब ग्रहण स्टार्ट हो जाए उससे पहले ही आपको मंदिर के दरवाजे वगैरह बंद कर देने हैं, पर्दे वगैरह डाल देनी है, और आप जिस कमरे में बैठे उसके भी खिड़की दरवाजे बंद होने चाहिए, पर्दे वगैरह लगे होने चाहिए। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों ये है कि सूर्य ग्रहण का प्रकाश आप तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है, आपको एक कमरे में बैठ जाना है, आप चाहें तो आराम से लेट सकती हैं, लेकिन धार वाली नुकीली जो चीज़ें होती हैं उनका यूज़ बिल्कुल ना करें। और ग्रहण काल के दौरान खाना नहीं खाया जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो आप खाना ना खाएं, आप खाना पहले ही खा लें, बस फ्रूट वगैरह खा लें, ठीक है, जूस वगैरह पी सकती हैं, और पानी आप पीते रहें, बस तुलसी के पत्ते डले हुए होने चाहिए, ठीक है। लेकिन भूखा आपको नहीं रहना है, पानी यानी पीते रहना है, जूस वूस पीते रहना है। अब मैं आपको और भी बातें बताती हूँ। अगर आप गर्भवती हैं तो दोस्तों सूर्य और चंद्र ग्रहण जब लगता है तो हमेशा आप अपने घर में गंगा जल ज़रूर रखें। गंगा जल आपको रखना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो आप पहले ही मंगवा लें। तो गंगा जल आप रखेंगे वो भी काम आएगा, मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो जब ग्रहण स्टार्ट हो जाए उस टाइम पर आपको नुकीली चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, चाकू वगैरह नहीं पकड़ना है, कोई भी धार वाली चीज़ें आप ना पकड़ें। अगर साड़ी पहने पिन लगाए तो वो पिन आप पहले ही निकाल दें, फ्री होके बैठे आप लेट सकती हैं आराम से, ठीक है। उस टाइम पर आपको मुट्ठी बंद नहीं,
करना है, वो नारियल आपको अपने पास रखना है, मंत्रों का जाप कर सकती हैं, भगवान का नाम ले सकती हैं, भजन कीर्तन भी आप सुन सकती हैं, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव सोचना है उस टाइम पे, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, अच्छा सोचना से ही अच्छा होता है। इतना करने के बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद दोस्तों आपको गंगा जल से छिड़काव करना है, यानी कि जो गंगा जल है वो अपने ऊपर छिड़कना है और पूरे घर में छिड़काव करना है, कॉर्नर में मतलब कोने कोने में चारों तरफ छिड़काव करना है, मंदिर में भी जो वो है छिड़काव करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने ऊपर छिड़काव करने के बाद आपको नहा लेना है, नहाने के पानी में भी एक दो गंगा जल के बूंद डाल दीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद जब आप नहा धो लेंगे तो पूजा पाठ आपको करना है, मंदिर की साफ़ सफाई करके पूजा पाठ करना है, और पूजा पाठ जब करेंगी तो आपको एक काम ज़रूर करना है, यानी कि आपको दान करना है। दान करना बेहद ही शुभ होता है, तो दान आप चावल अनाज दाल का भी दान कर सकती हैं, रुपयों का, या फिर ज़रूरतमंद को कपड़ों का दान कर सकती हैं, ठीक है। बहुत ही शुभ होता है और ज़रूर ये दान करें। उसके बाद जो नारियल आपने अपने पास रखा था वो नारियल आपको क्या करना है, आपको बहते हुए पानी में डलवा देना है, जैसे कि नदी है, नहर है, या फिर गंगा जी है, तो इनमें आप डलवा सकती हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, कोई नहीं जा पा रहा है, तो आप पीपल के नीचे, पीपल का जो पेड़ होता है उसके नीचे भी रखवा सकती हैं, ऐसा करना अच्छा होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी सही टाइमिंग क्या है। दोस्तों गर्भवती है तो विशेष रूप से ध्यान दें, साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को शुरू हो जाएगा, सुबह 7:04 से शुरू हो जाएगा और दोपहर 12:29 तक रहेगा, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ दोस्तों, इसका जो सूतक है वो इंडिया में मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है 20 अप्रैल को वो इंडिया में नहीं दिख रहा है, लेकिन आप गर्भवती हैं तो ये छोटे मोटे नियम पालन आप अवश्य करें, आपको बाहर नहीं निकलना है, ठीक है, इस टाइमिंग पे। अगर आप अदर कंट्री से हैं तो आपको ये नियम पालन अवश्य ही करने चाहिए, ताकि आपके होने वाले शिशु को बिल्कुल परेशानी ना हो, उसका गर्भ में विकास जो है उसमें रुकावट ना आए, एकदम हेल्दी बेबी आपको पैदा हो, तो ये नियम पालन आप ज़रूर कीजिएगा। मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में ये चीज़ें फॉलो की थी और मेरी बेबी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो मैं आप चाहती हूँ कि भाई आपके बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो, तो ग्रहण काल के दौरान आपको बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। थोड़ी देर की बात है, यानी कि 7:04 से शुरू हो जाएगा और दोस्तों 12:29 तक रहेगा, इस टाइमिंग पे आपको बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। अब मैं आपको और भी बता देती हूँ कि ये किन किन देशों में दिखाई देने वाला है। दोस्तों साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लग जाएगा और दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिका में नजर आएगा, ठीक है, ये भारत में नहीं दिखेगा। अगर आप नियम पालन करना चाहती हैं, इंडिया से देख रही हैं हमारी वीडियो और आप नियम पालन करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, और नहीं करना चाहती हैं तो वो भाई आपकी मर्जी है, आपके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड होती हैं, ठीक है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी देना था, ताकि आपके होने वाले शिशु को खतरा ना हो, परेशानी ना हो, उसका गर्भ में विकास एकदम ठीक से हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको कुछ डाउट है, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।